आखिरत की खौफ जब दिल में नहीं रहेगी बचपन से, तो इंसान इल्म दीन क्या समझेगा, उसकी अहमियत को समझेगा? आखिरत की फिक्र जब होगी ना, तो इंसान आखिरत को संवारने के लिए कोशिश करेगा, और संवारने के लिए जब कोशिश करेगा तो पहला सवाल खड़ा होगा कि आखिरत को संवारने का तरीका क्या है? कुरान और सुन्नत का इल्म है। अब देखिए, जो लोग आज के जमाने में भी, आज के दौर के अंदर भी, जो लोग बड़ी उम्र में इस्लाम कबूल कर लेते हैं, काफी दिनों तक भटकते हैं, कभी ईसाइयत में, कभी यहूदियत में, कभी मजूसियत में, कभी फला दीन में, हैं, भटकने के बाद जब मुसलमान होते हैं तो उनके दिल में कितना शौक होता है सूरह फातिहा याद करने का, हैं, कितना शौक होता है कुरान हिफ्ज करने का, कितना शौक होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को याद करने का। बूढ़े बूढ़े लोग इस्लाम मिलने के बाद उनके अंदर कितना जज्बा पैदा होता है। आप देखिए, आपके सामने जिंदगी गुजारने वाले ऐसे लोग मिलेंगे कि वो दिन रात मेहनत करके कुरान हिफ्ज कर लेते हैं, हदीसें याद कर लेते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की कई कई किताबें पढ़ डालते हैं। क्यों? मोहब्बत है आखिरत से, आखिरत की फिक्र है, जन्नत और जहन्नम का अकीदा मजबूत उनका हो गया। तो ये फिक्र आखिरत की कमी और फिक्र आखिरत का फुकदान, ये भी हमें दीन से दूर करता है।